हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं सुनीता लेके आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए होम रेमेडी। तो फ्रेंड, मैंने माइक नहीं लगाया था और रेमेडी बता दी, तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। तो मेरे को क्या क्या चाहिए? मेरे को चाहिए एलोवेरा जेल चाहिए, और मेरे को चाहिए एक ईवोन का कैप्सूल, और मुझे चाहिए एरागॉन का ऑयल। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स करना है और अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। तो मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, और फ्रेंड मैं आपको बताऊंगी कि हमें मसाज करना कितना इम्पोर्टेंट है। ये मैं नाइट केयर स्किन रूटीन के बारे में बता रही हूँ। तो इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको अमेजिंग से रिजल्ट्स आने वाले हैं फ्रेंड। बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छा है। अगर हो सके तो आप ये वाला ऑयल ले लीजिए, आपके हेयर के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये ले लीजिए। अगर आपके पास ये ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं अभी मसाज करने के लिए। और देखिए, जो इसमें इंग्रेडिएंट है बहुत ही अच्छे हैं। प्योर ऑर्गन ऑयल है, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल इसमें मिक्स है, कैस्टर ऑयल, टी ट्री ऑयल, इंस्टेंट ऑयल, जोजोबा ऑयल इसमें मिक्स है। ठीक है फ्रेंड, इम्प्रूव हेयर ग्रोथ वॉल्यूम एंड शाइन। हमारी हेयर ग्रोथ को ये इम्प्रूव करता है और शाइन देता है, वॉल्यूम को बढ़ाता है। बहुत ही अच्छा ऑयल है, और जो हमारे फेस पे स्पॉट्स हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, उसको भी ये रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जो हमारे फेस पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हो जाते हैं, इचिंग होती है, उसको भी ये इम्प्रूव करता है अगर इस ऑयल से हम मसाज करेंगे तो। बहुत ही मैजिकल ऑयल है। इस ऑयल को मैंने एवॉन के जो कैप्सूल है उसके साथ मिक्स करके लगाया एलोवेरा जेल। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप एक क्रीम बना के रख लीजिए। नाइट में सोने से पहले 10 से 15 मिनट पहले आप मसाज कीजिए फ्रेंड। 10 से 15 मिनट आप अगर रेगुलर डेली बेस पे मसाज करते, जो आपके फेस की जो चमक गायब हो गई है, जो आपके फेस का मॉइस्चर गायब हो चुका है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ चुकी है, बहुत ज़्यादा आपके पिंपल्स होते हैं, उसको भी इम्प्रूव करेगा। और पिंपल तो आपको मसाज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सही से मसाज नहीं करते हैं तो आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आएगा, और मसाज करना इम्पॉर्टेंट है, और वो भी सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें चिक को इस तरीके से सर्कुलर मोशन में अपने चिक की मसाज करनी चाहिए। इस तरीके से टाइट हाथों से हम मसाज करेंगे, और जो हमारी आइस के नीचे है, डार्क सर्कल हो जाते हैं, उसको इस तरीके से मसाज करेंगे। और हमारे फेस पे झाइयाँ हो जाती हैं, इसके लिए हम इस तरीके से टाइट से मसाज करते जाएंगे। 10 बार इधर करेंगे और 10 बार इस तरफ करेंगे, ठीक है, और फोर हेड की इस तरीके से हम मसाज करेंगे। तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लूलेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन में मॉइस्चर आ जाएगा, और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्पॉट्स लेस दिखेगी। इस तरीके से अगर आप डेली बेस पे अपने फेस पे मसाज करते हैं तो फ्रेंड, एक बार के यूज़ से देखिए आप मेरी स्किन कितनी ज़्यादा अच्छी। बेस पे नाइट में मसाज करेंगे अपने फेस की, और इस रेमेडी को बना के रख लीजिए फ्रेंड। आपको जब भी टाइम मिलता है आप लगा लेंगे। अगर नाइट में इसको लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है फ्रेंड। आप कहोगे दीदी गर्मी हो रही है, चिपचिपा सा लगता है, तो वो बिल्कुल नहीं लगने वाला है। इसकी मसाज करने के बाद आपको क्या करना है, फेस नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे और आप ऐसे ही सो जाएंगे। तो जो ऑयल है आपकी स्किन के अंदर चला गया है, और ये वर्क करेगा। सुबह आपको नॉर्मल पानी से ही वॉश कर लेंगे, आप देखेंगे आपके फेस पे जो ग्लो आया है
और जो जैसे डेली बेस पे लगाओगे ना, तो आपको इसके रिजल्ट बहुत ही मैजिकल आने वाले हैं। जो आपके दाग दग या सैबे वो भी बहुत ज़्यादा रिमूव होते जा रहे हैं, और जिसके फेस पे नहीं है झाइयाँ तो नहीं आएंगी, आएंगी भी नहीं, और रिंकल्स भी नहीं आएंगे, और जो आपकी फटी स्किन है वह भी इम्प्रूव करेगी। तो इस तरीके से अगर आप नाइट केयर इसकी रूटीन फॉलो करोगे तो आपको इसका बहुत ही अमेजिंग मैजिकल सा रिजल्ट आने वाला है। और इसको आप बना के रख सकते हैं, 10 से 15 दिन के लिए भी रख लीजिए, ख़राब होगा नहीं, ये बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, बाय।